चैप्टर पढ़ेंगे आज अल्कोहल फिनॉल ईथर, ठीक है? हाँ है ना? हाँ भाई, तो मैं तुमसे पूछ रहा था, बीच में बात रह गई थी, कि अल्कोहल तुमने कहीं देखा है? दारू में अल्कोहल होती है? दारू में अल्कोहल, बियर में अल्कोहल होती है? अरे तुम रिपीट क्यों कर रहे हो, हम ज़्यादा दूर पर खड़े हैं क्या इससे? तो दारू में अल्कोहल होती है और बियर में अल्कोहल होती है? अच्छा, ये तो यार थोड़ा अजीब बात बता दी है। दारू खुद अल्कोहल नहीं होती है? अच्छा कितने परसेंट होती है? चलो बात तुम्हारी ठीक है, कितने परसेंट होती है? फॉर्मूला किसको पता है? तो मैं पूछ रहा था कि दारू में कितने परसेंट होती है? अरे मैंने कब कहा कि तुम पीते हो? चलो ठीक है, कोई और बताएगा कि अल्कोहल क्या होता है? OH। बात तो सही है, OH होता है, लेकिन OH तो पानी में भी होता है, HOH। एक मिनट को, तो क्या पानी अल्कोहल होता है? फिर चलिए देखते हैं। जिन लोगों को अल्कोहल के बारे में नहीं पता, पहले समझ लें, चैप्टर के तीन पार्ट हैं, तीन हिस्से हैं चैप्टर में, अल्कोहल, फिनॉल और ईथर, ठीक है? इसको बंद कर दो बेटा। ये जानते नहीं, बस पी के आए हैं बेटा। अगर इसमें 20 स्विच लगे होते तो सारे तुम बंद करते और आखिरी पंखा बंद करते तुम। हाँ पता है, ये वीडियो में जो पंखे की आवाज आती है वो ऐसे ही बच्चों में से आती है। सुनो ध्यान से, तो अल्कोहल, फिनॉल और ईथर तीन पार्ट हैं इसमें, ठीक है ना? अल्कोहल क्या होता है? OH ग्रुप अगर किसी चेन पे लगा है, कार्बन की किसी चेन पे लगा है, मतलब बेंजीन पे ना लगाओ तो भैया वो अल्कोहल हो गया, ठीक है ना? हाँ है ना? OH ग्रुप, OH जानते हो, ऐसे OH। अब O के दो बॉन्ड होते हैं, तो एक बॉन्ड बनाए तो एक बॉन्ड खाली है, अभी किसी ना किसी से तो जुड़ेगा ना, अगर कार्बन की चेन से जुड़ जाए तो वो क्या कहलाता है? अल्कोहल। कन्फ्यूजन कुछ? और यही चीज़ अगर बेंजीन के ऊपर लग जाए तो वो कहलाता है फिनॉल, ठीक है? इतनी बात समझ में आ गई? कोई समस्या? देखो ध्यान से, अगर मैं यहाँ पे R लिख दूँ तो यहाँ पे अल्कोहल बनेगा, ठीक है? और एरोमेटिक लिख दूँ, AR लिख दूँ, या है ना कोई बेंजीन लगा दूँ, तो ये चलो बेंजीन लगा देता हूँ, अगर मैंने ये बेंजीन लगा दी तो बेटा अब ये फिनॉल बन गया, ठीक है? और अगर मैंने यहाँ पर O लिखा और इधर तो R लगा ही था, इसका H हटा के और R लगा दी तो ये ईथर बन गया। बिल्कुल आसान समझा दिया, आए ना? इसमें एक तरफ OH है और एक R है, इसमें AR मतलब एरोमेटिक कोई चेन होगी, है ना? तो ये एरोमेटिक हो जाएंगे, फिनॉल बनाने तो बेंजीन लगानी पड़ेगी, ठीक है ना? समझ गए ना? वैसे तो इतने को फिनाइल बोलते हैं लेकिन ये लग गई तो बेंजीन है, ठीक है? और यहाँ पर दोनों तरफ अगर कार्बन की चेन हो जाए तो वो ईथर है। अब ये कार्बन की चेन चाहे बेंजीन की हो या सीधी चेन हो, उससे कोई मतलब नहीं, दोनों तरफ कार्बन तो आ रहा है ना, तो वो क्या कहलाता है? ईथर, ठीक है? बारात में नहीं आई, लिख लो, ये ईथर है, ये अल्कोहल है और ये फिनॉल है। कोई कंफ्यूजन है तो बताओ, क्या करना चाह रहे हो? इतना लिख गया सबका? Yes, ये तो कुछ कठिन बात नहीं है, ठीक है? हैंड डालो क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन भाई IUPAC टाइप का है ना, क्लासिफिकेशन हैंड डालो, क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोक्सी ग्रुप, क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोक्सी ग्रुप। शिवांश, ये हाइड्रोक्सी ग्रुप क्या होता है? हाइड्रोक्सी, हाँ सुना होगा, लग रहा है, याद नहीं आ रहा होगा। अच्छा ये बताएंगे, क्या नाम है तुम्हारा? रुद्र। रुद्र, रुद्र हाइड्रोक्सी क्या होता है? बिल्कुल सही बात बताया बेटा, हाइड्रोजन, हाइड्रो हाइड्रोजन, ऑक्सी ऑक्सीजन, बिल्कुल सही बात है। तो देखो हाइड्रोक्सी ग्रुप क्या है कि OH ग्रुप को ही हाइड्रोक्सी बोलते हैं। आप कुछ लोग कहेंगे अभी तो अल्कोहल बोल लेते, अल्कोहल बोलते हैं जब हम उसे यूज करते हैं एज अ सेकेंडरी सफिक्स, समझ में आया ना? समझो जैसे एक लिखा, ये वर्ड रूट लिखी हुई है, वर्ड रूट जानते हो ना सभी लोग, हाँ है ना? मैथ है, प्रॉप ब्यूट पेंट वेंट है ना, ये वर्ड रूट। अगर तुम यहाँ लगाओगे तो लिखोगे ऑल, और यहाँ लगाओ, यहाँ लिखना लिखोगे तो लिखोगे हाइड्रोक्सी। ये प्रीफिक्स साइड है, ये सेकेंडरी सफिक्स है, क्या इतनी बात के लिए सभी को? हाँ है ना? कोई कन्फ्यूजन, दिक्कत, परेशानी? पक्का ये बात समझ में आ गई ना? अब तुम सोचोगे कि हमें कैसे पता चलेगा यहाँ लगाएं या वहाँ लगाएं,
ठीक है। तो पता करने का तरीका यह है कि जब भी OS से कोई बड़ा ग्रुप प्रेजेंट हो तो इसको हम प्रीफिक्स बना के आगे लगा देते हैं, समझ में आया। क्योंकि जो ग्रुप बड़ा है, जैसे OH भी लगा है और COH भी लगा है, तो COH ग्रुप बहुत बड़ा ग्रुप है और OH छोटा है, तो COH को बनाएंगे सेकेंडरी सफिक्स, ठीक है ना। देखो एक चेंज समझ लो, जैसे मान लो ये लिखा हुआ है 3, 4, 5 और यहाँ पे लिखा है COH और यहाँ लिखा है OH। अब ये भी ये ऑल है और ये ओइक एसिड है, तो दो थोड़ा लगा देंगे कि जी 1, 2, 3 और 5 पेंटेन हो गया, पेंटेनॉल ओइक एसिड, ऐसा कुछ होता है क्या? कुछ नहीं होता है, तो बेकार है। सेकेंड सफिक्स एक ही होता है, तो अब या तो इसका बना लो या इसका बना लो। तो बड़ा कौन है? COH ग्रुप, इसका बनेगा, इसका बन जाएगा क्या? ओइक एसिड। तो पेंटेनोइक एसिड हो गया और 2 हाइड्रोक्सी, खींच के मारेंगे भी हाली। बोला क्यों गलत? 4 हाइड्रोक्सी। सेकेंडरी सफिक्स जिधर से पास पड़े उधर से ही गिनती स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो 4 हाइड्रोक्सी, समझ गए ना, लिखूं क्या? समझ जाओगे, 4 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड है, ठीक है। चलो अब हम इसको स्टार्ट करें, इसको अभी मत लिखना, इसको समझा रहा हूं खाली। तो मैंने आपको समझा दिया कि हम ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोक्सी ग्रुप, मतलब OH ग्रुप के हिसाब से क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। तो इसमें पहला होता है मोनोहाइड्रिक, मोनोहाइड्रिक, ठीक है। मोनो माने क्या होता है? हाइड्रिक माने, अरे यार OH, अगर एक OH लगा हो तो मोनोहाइड्रिक हो गया। कार्बन की कोई चेन ले लो, छोटी बड़ी सी, जैसी भी सही लगे, ये हो गया मोनोहाइड्रिक। बाकी हाइड्रोजन लगा देना अपना, समझ गए। डाईहाइड्रिक क्या होता है? डाईहाइड्रिक दो OH वाले, तो भाई आप कार्बन की छोटी चेन लो बड़ी चेन लो उससे कोई मतलब नहीं पड़ता, है ना। मान लो आपने दो कार्बन की चेन ले ली, यहाँ पर दो OH लगा दिए, ये हो गया भाई डाईहाइड्रिक, ठीक है ना। कार्बन और भी लिख सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं। OH कितने लिखे इससे मतलब है, OH दो लिखे हैं तो डाईहाइड्रिक एक लिखा है तो मोनोहाइड्रिक। बोलो क्लियर है? देखो अब चैप्टर नया स्टार्ट है, जिसको नहीं है अभी पूछ लो, बोलो क्लियर है कि नहीं, ठीक है। इसके बाद देखो ट्राईहाइड्रिक, ट्राई माने क्या होता है? तीन हाइड्रिक, वही OH लगा दो तीन, तो तीन कार्बन की चेन ले लो या पांच की ले लो, तीन OH होने चाहिए, ठीक है। ये हमने तो तीन ही की ले ली, नीचे जगह भी नहीं है, हो गया भाई, कोई समस्या? तो अब बेटा इसको लिख लो और इसके आगे नाम और लिख लो, इसके नाम लिखो IUPAC नेम बराबर। चलो लिखो इसको, इतनी बात क्लियर होगी सबको? Yes, सभी सबने नाम लिख लिया होगा? Yes, तो चलो पूछ लेते किसने क्या लिखा। हाँ मिस्टर आशीष बताएंगे, आशीष बता भाई पहले वाले का नाम सबसे आसान। भाई क्या सी खामोशी छा गई, देख रहा प्रोपेन, सही जा रहे हो, सही जा रहे हो, नॉन, अच्छा देखो गलती हो गई, नॉन ऑन होता है कीटोन, तुम्हें यहाँ पे कीटोन दिख रहा है कहीं, ये चीज क्या है? ऑल, ऑल है ना, तो नाम क्या बनेगा पड़ोसी बताओ? प्रोपेनॉल। तुम आराम से बोलो यार थोड़ा सा, हाँ धीमे धीमे, अरे बोला तो था धीमे धीमे बोलो। इन्हें मालूम क्या कंफ्यूजन है? इन्हें अल और ऑल में कंफ्यूजन है, तो इन्हें जल्दी पपड़ल सारा स्पीड बोल दिया, पता नहीं चलेगा अल बोला कि ऑल बोला, चला के खेल रहे हैं। हाँ तो ऑल लगे तो बोलते क्यों नहीं, पर धीमे बोलो अपने भरोसा रखो अपने पे। प्रोपेन, अब देखो अगर तुम अल लगाते हो या नहीं लगाते उससे कोई अंतर नहीं पड़ेगा, ओ वोवेल है इसलिए यहाँ से ई हटा देंगे, ठीक है ना। और ऑल तुमने अभी तक टेबल याद नहीं कर पाए, तीन टेबल मैंने कितने बार बोला, वो तीन टेबल याद कर लो, याद नहीं हो पाई अभी तक, यही नहीं मालूम है कि अल्कोहल, इतनी से समझा रहा हूँ अल्कोहल है, अल्कोहल है, अल्कोहल है, कीटोन है, कहाँ से कीटोन है? चलो भाई इसका नाम बताओ, हाँ भाई बताओ इसका नाम, डाइथेनॉल। एक काम करो छत पे जाओ, ठीक है, दो सरिया लो नीचे गाड़ाओ जमीन में और छत पे जाके उन पे एकदम सीधा कूदना है, ठीक है। डाई, अरे तुम्हें इतना सरल तरीका सिखाया यार, वर्ड रूट, इसमें और क्या, वर्ड रूट है और ये क्या है, सेकेंडरी सफिक्स है और प्राइमरी सफिक्स है, प्रीफिक्स तो है नहीं इसमें,
तो डाई पहले कैसे आ गया? एथ, दो कार्बन का एथ लिखो, सिंगल बॉन्ड का एन लिख दो, लिख गया एन, सिंगल बॉन्ड है कि नहीं, एन लिख दिया, पहले और दूसरे पर OH लगा है, पोजीशन लिख दो 1.2, क्या कितने OH लगे हैं? दो लगे हैं, डाई ऑल, ये आगे क्यों ले आए? और जब ये सरिया पे कूद जाए ना तो तुम ऊपर जाके मोड़ देना, ये गलती से निकल ना आए कहीं बाहर। हाँ अगला बताओ तुम। हाँ प्रोपेन 1, 2, 3 ट्रायोल, ठीक है ये सही है, प्रोपेन 1.2.3 ट्रायोल, इतना सरल नाम नहीं आ रहा है, हो गया क्लियर। चलो ये मैंने क्या बताया, ऑन द बेसिस ऑफ OH ग्रुप, ठीक है। अगला नंबर तुम्हारा है, लिखो क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ कार्बन, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ कार्बन, आज जाके वीडियो चेक चालू करो, है ना, उनको देखो, जो नहीं आ रहा दो दो तीन तीन वीडियो देख लो, अगले दिन आओ और पूछ लो। क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ कार्बन, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ कार्बन, ठीक है, कार्बन की डिग्री पर कितने तरह की डिग्री होती है भाई, चार, 1, 2, 3, 4, रुक जाओ भाई, पहले रुक जाओ, तीन तो तेरी होती है, इसकी एक ज़्यादा है ना, तो पहले इसकी सुनूंगी तुम्हारी सुनूंगा, इसकी सुनूंगा ना, पहले ज़्यादा वाली समझ लेते हैं, ज़्यादा कौन सी आ रही है, तुम्हारी तो तीन होंगी। चलो भाई तो लिख ली हेडिंग, लिख ली क्लासिफिकेशन, मैं लिखूँ क्या, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ठीक है, डिग्री ऑफ कार्बन, ठीक। तो भैया पहला हो गया प्राइमरी, सभी जानते हैं, हाँ है ना, जानते हो ना प्राइमरी मतलब वन डिग्री, इसको ये क्या बोलते हैं, वन डिग्री बोलते हैं, वन डिग्री मतलब एक कार्बन जिसपे OH लगा है, देखिए वन डिग्री मतलब मैंने क्या सिखाया, ध्यान सुनो बेटा ध्यान से, एक कार्बन जिसपे OH लगा है उसी कार्बन पर एक तरफ और कार्बन लगा दो, जरूरी नहीं कि CH3 लगाओ, कितनी भी लंबी चेन लगा दो उससे कोई अंतर नहीं पड़ता, ठीक है, ऊपर हाइड्रोजन लगा दो नीचे हाइड्रोजन लगा दो, एक तरफ बस कार्बन लगा होना चाहिए, मैं फिर से कह रहा हूं ये कोई जरूरी नहीं, आप यहां पे CH2 CH3 लिख दीजिएगा, कितनी साइड कार्बन लगा है, वन साइड कार्बन लगा है, तो ये वन डिग्री हो जाएगा, प्राइमरी हो जाएगा, ठीक है। फिर हम लोग सेकेंडरी, सेकेंडरी क्या होता है, नाम से समझ में आ गया, सेकेंड मतलब दो, दो तरफ कार्बन लगा, कितने कार्बन लगे हैं इससे कोई भी मतलब नहीं होता है, कार्बन जिसपे OH लगा है, मैं फिर से बोल रहा हूं कार्बन जिसपे OH लगा है उस पर दो तरफ कार्बन लगा दो, चाहे कितने भी लगा दो। तो देखो बेटा यहां पे दो तरफ लग गया, ये हो गया सेकेंडरी मतलब टू डिग्री, ठीक है भाई। अब इसके बाद आता है टर्सरी, टर्ट भी बोलते हैं इसको, सही बात बोल रहे हो, टर्ट भी बोलते हैं, टर्सरी होता है, टर्ट भी होते हैं, ठीक है। तो इतनी बात क्लियर है, ठीक है। टर्सरी में क्या होता है, देखें कार्बन जिसपे OH लगा है उसके तीनों तरफ कार्बन लगे हो, कितने लगे हैं इससे कोई मतलब नहीं, ठीक है। तो ये 3 डिग्री हो जाएगा, मतलब टर्सरी हो जाएगा, ये टर्ट भी लिख देते हैं। बोलो बात समझ में आ गई, कितने में कोई समस्या? अब तुम इधर आओ, नहीं नहीं इधर आओ, क्योंकि अब ये बना के दिखाएंगे क्वार्टनरी, नहीं वो NH2 वाला याद आ गया था, तो यहां कहां से नाइट्रोजन के 5 बॉन्ड बन सकते हैं, क्योंकि उसके बाद 5 इलेक्ट्रॉन, 5 डोनेट करते 5 बॉन्ड बना देगा, तो उसने जब अपना लोन पे डोनेट कर दिया तो भी उसके बाद 4 बन सकते हैं उसके, क्योंकि भाई 4 इलेक्ट्रॉन, मेरे पास 5 इलेक्ट्रॉन है, मैंने 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया, अब मेरे होगा 4 से बॉन्ड बनाऊंगा 8 हो जाएगा, मेरा काम कंप्लीट हो गया, तो मैं 4 बना सकता हूं ना, इसके बाद पहले से ही 4 है, मेरे को वो याद आ गया था, तो मैंने बोला 4, बात समझ में आ गई ना। कार्बन का क्वार्टनरी कुछ नहीं बनता, ठीक है, क्योंकि एक कार्बन जिस, मैं हर बार इसीलिए क्यों बोलता हूं ऐसे कि एक कार्बन जिसपे OH लगा है, अरे उस पर तो OH लगा ही है ना, तो उसके बाद 3 ही तो साइड और बची हैं, तो 4 कहां से लग जाएंगी, इसीलिए प्राइमरी सेकेंडरी या टर्सरी ही हो सकता है, बात क्लियर है? यस सर। तो फिर लिख लो इसको, ठीक है भाई। अब एल्कोहल तक का क्लियर है? अरे हाँ ना, तो बोल दिया करो, यस सर, खट्टे सब बोलेंगे। सुनो आप ऐसे हाइड्रोजन डालो, क्लासिफिकेशन ऑफ, क्लासिफिकेशन ऑफ फिनॉल या एरोमेटिक, चलो फिनॉल, फिनॉल मत लिखो, क्लासिफिकेशन फिनॉल का लिख दो, ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ फिनॉल ऑन द बेसिस ऑफ
OH ग्रुप, OH ग्रुप मतलब वही हाइड्रोक्सी ग्रुप, जैसे पहले किया था मोनोहाइड्रेट है ना वैसे। तो देखो मोनोहाइड्रिक याद है, मोनो मोनो माने कितना, एक है ना, हाइड्रिक। तुम्हारा नाम बेटा अंकित है ना, आशीष, आशीष देखो मोनोहाइड्रिक का मतलब कितने OH होते हैं, एक। कहाँ लगाऊं, कहाँ लगाऊं बताओ, देखो बात सही है कि यहाँ लगाओ, लेकिन कहीं पे भी लगा सकते थे, इतना सोच कर रहे थे, सब जगह एक ही ऐसी होती है, समझ में आया ना, तो आप कहीं पे भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो इसमें एक OH लगा, अब उसका नाम क्या होगा, चली गई या दस, जैसे ही आई पैसे पूछ दूंगा, या दस चली जाती है, अब नहीं आएगी, याद नहीं आ रहा ना, बहुत पॉपुलर है, तुम्हारे घर में भी अवेलेबल होगा, बताओ क्या नाम है, हाँ फिनॉल, क्यों फिनाइल अवेलेबल नहीं है तुम्हारे घर पे, फिनॉल, ठीक है ना, ये मोनोहाइड्रिक है, ये बात समझ में आ रही है, हाँ है ना, तुम बताना जरा ये क्यों है मोनोहाइड्रिक, बन क्या है, चलिए अब देखें यहाँ पर दो OH लगा दिए हैं, इसका नाम क्या होगा भाई, अरे डाईहाइड्रिक तो नाम थोड़ा नहीं है, नाम बताओ इसको क्या, नहीं डाईहाइड्रिक नहीं डाईहोल होगा, डाईहोल, अब सही बेटा, ये जो तुम सुबह रात को गत्ता जो भिगो के रखते हो ना और सुबह सूंघते हो, तो उसी का असर हो रहा है, बेंजीन बन कॉमा टू डाइफिनोल, कौन बोल दिया, डाइओल, ओल, ऑल, ओ, बेंजीन वन कॉमा टू डाइओल, ये डी आ गया, बॉबल नहीं है इसलिए ई रहेगा यहाँ पर, समझ में आया, हाँ है ना, ये इसका नाम है, एक और भी नाम हो सकता है, देखिए ध्यान सुने, ऑर्थो भी हो सकता है इसमें, ऑर्थो ऐसे नहीं हो पाएगा, ऊपर देखो, ओ हीरो ऑर्थो, ये हिस्सा फिनॉल है, ठीक है, अब ये इस पे लगा है ये वाला ग्रुप, और ये अगर मान लो क्लोरो लगा होता तो बहुत आसान था, मैं लिख देता टू क्लोरोफिनॉल, भाई ये नंबर टू होता ना, टू ये बन है, हाँ है ना भाई, ये बन है तो ये टू ही होगा, अगर यहाँ सी एल लगा होता तो मैं तुरंत लेता टू क्लोरो और फिनॉल, समझ गए ना, तो कॉमन नेम का यही फायदा है, आता है ना, तो इधर वाले का नाम लिखो, कॉमन लिख दो, फट से खत्म, लेकिन अब ये तो OH ग्रुप है, तो अब क्या लिखा जाए, हाइड्रोक्सी, क्योंकि देखो अगर मैं फिनॉल लिख देता हूँ, समझो मेरी बात, फिनॉल, तो फिनॉल क्या होता है, बेंजीन बनॉल, देखो ये क्या है, बेंजीन बनॉल, तो फिनॉल हो गया, तो फिनॉल लिख रहा हूँ या बेंजीन बनॉल, वो एक ही बात है, अब मैं इसके पीछे फिर से टू ऑल लगा दूँ तो क्या हो जाएगा, बेंजीन बनॉल टू ऑल, अच्छा लगे क्या, नहीं, फिनॉल टू ऑल, कितने बार ऑल लगाओगे, और मैंने अभी समझा, समझ गया मेरी बात को, क्योंकि हमने इसको एक साथ ले लिया, ये बात मैं बार बार क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि थोड़ी देर पहले मैंने आपको बोला था कि OH के साथ कोई बड़ा ग्रुप आना चाहिए, तो OH को प्रीफिक्स बना लेते हैं, ठीक है, ज्यादातर केसों में दोनों OH है तो डाई करके लिख देते हैं, लेकिन यहां पर आपने इसको कॉमन में ट्रीट कर लिया, तो कॉमन में ये अपना पूरा पैक हो गया, अब ये बचा OH, तो आपको फिर टू हाइड्रोक्सी लिखना पड़ेगा, टू हाइड्रोक्सी फिनॉल, बात समझ में आ गई ना, हाँ है ना, ठीक है, कोई समस्या है इसमें किसी को, क्लियर है ना, ठीक, अब इसी तरीके से ट्राई हाइड्रिक हो सकता है, टू हाइड्रोक्सी कॉमन नेम होगा ना, हाँ ये कॉमन नेम है, देखिए कॉमन नेम की पहचान बड़ी आसान है, मैंने 500 बार बताई है, एन इन आइन ना हो, देखो कहीं है, नहीं है, खत्म, वैसे तो देखो, वैसे एक और बात बताता हूँ, जब IUPAC की दोबारा से रिकमेंडेशन आई थी कॉमन नेम के बाद की, तो उसमें फिनॉल को IUPAC नेम बताया गया है, और अगर फिनॉल को हम IUPAC मान के चलते हैं तो ये IUPAC नेम हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे कॉमन नेम को बाद में IUPAC, जैसे बेंजीन है, बेंजीन का नाम बेंजीन थोड़ा नहीं है, साइक्लोहेक्स 1.3.5 ट्राइईन है, अब उतने बड़े को लोगों ने बेंजीन बोलना चालू कर दिया, फिर बाद में इतना पॉपुलर हो गया कि उसका नाम ही बेंजीन कर दिया, कि ये IUPAC नेम ही बेंजीन है, बेंजीन, बेंजीन तो, और भाई आप वर्ड रूट के हिसाब से देखो तो बेंज तो कुछ होता ही नहीं है, कहाँ से आया 6 कार्बन का, तो वो एक कॉमन नेम है,
वो इतना पॉपुलर था कि उसे आईयूपीएसी मान लिया गया। वैसे ही फिनॉल को आईयूपीएसी मान लिया। अब ये फिनॉल को हम आईयूपीएसी मान चुके हैं तो इस तरीके से ये आईयूपीएसी नेम हो जाता है। समझ में आ गया? हाँ है ना। तो ठीक है, आप ट्राईहाइड्रिक लिखेंगे। ट्राईहाइड्रिक का मतलब क्या हो गया? तीन OH वाला, कहीं पर भी लगा दो, यहां वहां जहां मन करे सब जगह लो। अब इसका नाम बताओ भाई, कौन बता रहा है? चलो भाई तुम बताओ, बहुत दिन से कुछ बोले नहीं हूँ। हाँ ये सही है, क्योंकि है ना, क्योंकि देखो इतने का नाम हम फिनॉल मान लेंगे, बोलो हाँ है ना। तो ये टू और फोर पर क्या लगा है? हाइड्रोक्सी ग्रुप। OH ग्रुप का नाम क्या होता है? हाइड्रोक्सी। मैंने अभी समझाया था आपको, वर्ड रूट के आगे लिखना है तो हाइड्रोक्सी लिखो, पीछे लिखना है तो ऑल लिखो। बताइए था ना ये बात? अब पीछे तो पहले ही फिनॉल एक बार ऑल लिख चुके हो, तो 10-12 बार ऑल लिखोगे क्या? नहीं, तो फिर आगे लिखना पड़ेगा ना। तो 2.4 डाई हाइड्रोक्सी फिनॉल। बोलो बात समझा गई ना? एक और भी नाम हो सकता है, बेंजीन 1.2.4 ट्राईऑल। क्या इसमें कोई कंफ्यूजन है? नो सर। बताओ यहाँ पे कोई दिक्कत? अब इनके भी कॉमन नेम होते हैं, ठीक है, जरूर समझ लो ये भी भाई कौन के कॉमन नेम है। सबके नहीं है लेकिन कुछ के हैं। जैसे ये तो फिनॉल ही है, इसका एक कॉमन नेम भी होता है, क्या होता है? देखो कुछ लोग कैचॉल बोलते हैं, कैचे कॉल बोलते हैं, तुम्हें जैसी इंग्लिश आती हो वैसा बोल लो। ये लो भैया ये लिख दिया नाम, कैट ए कॉल है ना, कैट चॉल है। बात समझ आ गई सभी को? हाँ है ना। अब इसमें दो इतना लिख लो, पहले लिख लो ठीक है, यहां तक क्लियर सभी को? हाँ भाई नहीं आया? यस सर आ गया। पक्का? यस सर। अच्छा रिएक्शन करना आ गई? यस सर। नहीं आई तो बताओ? सर आ गया। रिएक्शन आ गया, नाम तो सही बोला करो यार, रिएक्शन आ गया कैसे हो सकता है? देखिए अभी मैंने आपको इसका नाम बताया था, नाम बताओ? टू हाइड्रोक्सीफिनॉल। कॉमन नेम बताइए। कैचोकॉल है ठीक, लिख दूं CATCHOL। देखिए प्रोनंसिएशन थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, आप अपना देख लें, आपको जो अच्छा लगे वैसा बोल लो। ये देखें भाई इसका नाम क्या होगा? पहले आईयूपीएसी नेम बताओ। थ्री हाइड्रोक्सी फिनॉल। और नाम क्या हो सकता है? बेंजीन 1.3 डाईऑल, ठीक है। एक होता था रिसोर्सिनॉल। ये इसका कॉमन नेम है, कॉमन नेम है हाँ रिसोर्स। अब ये देखो ये याद करना पड़ेगा, समझ में आया? इनके घर का नाम क्या है? चुन्नू। क्या नाम है घर का? शिवांश नहीं है, घर का नाम पता है, चुन्नू या मुंगेरी लाल है। शिवांश तो नहीं है। तो बात समझ में आ गई भाई? हाँ है ना। तुम्हारे घर का जो भी नाम हो वैसे इसका ये कॉमन नेम है। तुम्हारे जो घर का नाम है वो कोई सिस्टम से तो बनाया नहीं गया कि भाई ये सिस्टम रखेंगे तो इनका नाम ये आएगा, है ना? कोई आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर तो है नहीं उसका, है ना? कॉमन नेम किसी भी जगह किसी साइंटिस्ट के ऊपर या किसी भी बात के ऊपर रखे गए एक नाम है, जो फिर इतने पॉपुलर हो जाते हैं कि हम उनका फिर वही नाम रख देते हैं। अब देखो ये दोनों उतना पॉपुलर नहीं है, लेकिन अगला वाला बहुत पॉपुलर है। और ये मान लो कि पेपर में इसका कुछ ना कुछ तो आ ही जाता है, ज्यादातर, हमेशा नहीं बोल रहा हूं मैं। इसका नाम है क्यूनॉल। क्यूनॉल ठीक है, बहुत बढ़िया नाम है और इसका हमेशा कुछ ना कुछ आता रहता है। क्या ये बात समझ में आ गई? हाँ है ना। किसको दिक्कत हो रही है इसमें? एक मिनट, नहीं सुने बेटा, समझाना बेटा, ये कॉमन नेम है, समझाना नहीं है, याद कर। कोई बात नहीं, ये कॉमन नेम है, सुनिए मैं ये बोल रहा हूँ। जब देखिए ये पहली पोजीशन पे लगा है तो इसका नाम कैचे कॉल हो गया, तीसरे पे लगा हुआ है रिसोर्सिनॉल हो गया, चौथे पे लगा है क्यूनॉल हो गया। मैं आपसे ये कह रहा था उस समय कि क्यूनॉल बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में कई बार आया है, इसका ऑक्सीडेशन आ चुका है ना, और कई इस पर सीधी सीधी रिएक्शन है, समझ गए? कॉमन नेम का कोई तरीका नहीं है, उसको याद ही करना पड़ता है।
कुछ उल्टा पुल्टा टेढ़ा मेढ़ा करके ट्रिकबाजी कर लो वो अलग है, कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि जी ऐसे लिखो तो कॉमन नेम बन जाएंगे जैसे IUPAC का सिस्टम है। बात समझ आ गई ना? हाँ है ना? ठीक है, तो यहाँ तक हो गया, कोई समस्या किसी को? ठीक है, ऐसे ही तो दो चार और कॉमन नेम होते हैं, वो भी लिख लो बेटा। ये सब क्या लिख गए? कोई दिक्कत है इसमें? ठीक है, चलिए इसी तरीके से एक दो कॉमन नेम और हैं, ऊपर देखें, इनको हटा देता हूँ। जैसे मैंने इसकी जगह CS3 लिख दिया और इन सभी पे CS3 लिख दिया, ठीक है। अब इसका नाम पता करना है, तो बताएं इसका नाम क्या होगा? सुनिए, हाँ ये इसका IUPAC नेम हो सकता है, बिल्कुल सही बताया इन्होंने। 2 पे हाइड्रोक्सी है और CS3, मैं यहाँ पर ये भी लिख देता हूँ, बेंजीन के ऊपर CS3, ठीक है। इसका नाम होता है टॉलिन, TOLUENE, टॉलिन, ठीक है ना। तो इसका नाम तुम बताओ भाई, ट्राई करो, इसका नाम क्या होगा? ध्यान से देखो, इतने का नाम टॉलिन है, तो इतने का नाम क्या होगा? टू हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी की बात क्या बोला था? टॉलिन नहीं बोल पाए थे, क्या बोला था बेटा तुम बताओ? चलिए ठीक है, 2-hydroxytoline बिल्कुल सही है, ठीक है। और ये वाला 3-hydroxy हो जाएगा, ये 4-hydroxy हो जाएगा, ठीक है। इन सभी को क्रिसोल बोलते हैं, क्या बोलते हैं? क्रिसोल, CRESOL, क्रिसोल। अब ये ऑर्थो पे लगा है तो ओ क्रिसोल हो जाएगा, ये मेटा पे लगा है एम क्रिसोल हो जाएगा, ये पैरा पे लगा है तो पी क्रिसोल हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ गई? ऑर्थो क्रिसोल, मेटा क्रिसोल, पैरा क्रिसोल, क्लियर। तो मैंने आपको सिर्फ 6 नाम सिखाए हैं, 6-7 मान लो, एक तो फिनॉल, एक टॉलिन, क्रिसोल के 3 पार्ट, कैचेकॉल, रिसोर्सिनॉल, क्यूनॉल, बस छोटे छोटे 5-6-7 नाम कॉमन है, इनको लिख लें, कोई दिक्कत है? चलो भाई लिख लो बेटा।